आखिरकार लॉकडाउन के चलते जहां तहां फंसे प्रवासियों की सुध लेते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। ऐसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्य तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगी, यानी इन्हें बीच में कहीं रोका नहीं जाएगा। इन ट्रेनों में आम यात्रियों को भी बैठने नहीं दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनके पालन के बाद ही ट्रेनों का संचालन होगा। आइए कुछ जरूरी पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं कि इन ट्रेनों में कौन कौन सफर कर पाएगा और पूरी व्यवस्था क्या होगी। बनेगी पैसेंजर्स की लिस्ट। इन स्पेशल ट्रेन्स में सवार होने वालों की लिस्ट राज्य सरकार बनाएगी। प्रवासी मजदूरों, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और तीर्थयात्रियों को अपने गृह राज्य के पास आवेदन देना होगा। वहां के नोडल ऑफिसर जो लिस्ट तैयार करेंगे वो रेलवे को सौंपी जाएगी। स्टेशन पर केवल उन्हीं को पहुंचने के लिए कहा जाएगा जिन्हें प्रशासन की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा किसी को ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। बैठने से पहले होगी स्क्रीनिंग। जिस राज्य से ट्रेन चलेगी वहां स्टेशन पर यात्रियों के स्क्रीनिंग का इंतजाम होगा। सभी को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और अगर उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ पाई गई तो उन्हें ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा। यानी कि जो स्वस्थ होंगे ट्रेन में केवल उन्हीं को बैठने की इजाजत होगी। अगर किसी में किसी तरह के लक्षण पाए गए तो उन्हें गृह राज्य के बजाय सीधे क्वारंटीन सेंटर या होम आइसोलेशन में भेजा जा सकता है। खाने पीने की व्यवस्था करेंगे राज्य। जिस राज्य से ट्रेन चलेगी इन प्रवासियों के खाने पीने का इंतजाम उन्हीं को करना होगा। इसके लिए स्टेशन पर व्यवस्था की जाएगी। लंबे सफर में खाना खिलाएगा रेलवे। अगर सफर लंबा हुआ तो बीच में यात्रियों के भोजन पानी की व्यवस्था रेलवे की ओर से की जाएगी। सबके लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। इन ट्रेनों में सफर करने वाले हर यात्री को फेस मास्क लगाना ही होगा। यही नहीं, स्टेशन से लेकर पूरे सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना अनिवार्य है। हर कोच में यात्रियों की संख्या तय। 72 सीटों वाली ट्रेन की बोगी में 54 यात्रियों के बैठने का इंतजाम होगा। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए किया गया है। अपने राज्य पहुंचने पर फिर होगी स्क्रीनिंग। एक बार ट्रेन अपने गंतव्य राज्य तक पहुंच गई तो वहां के स्टेशन पर भी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रोटोकॉल वही रहेगा। अगर कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। अगर कोई लक्षण नहीं दिखते तो पैसेंजर्स को घर जाने दिया जाएगा। हालांकि वहां भी उन्हें 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।